नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैं आया हूं यामाहा शोरूम और बात करने वाले हैं एक शानदार हाइब्रिड स्कूटी जिसका नाम है यामाहा फेसिनो। तो फाइनली दोस्तों, आप सब ने देखा इस यामाहा फेसिनो हाइब्रिड का एक सिनेमैटिक व्यू और अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एरिया से। आप देख सकते हैं शानदार शार्क वी शेप का एक हेडलाइट जो फुल्ली एलईडी सेटअप है, जो आपको दिख रहा है प्योरली हेडली सेटअप ही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे इसकी बॉडी फ्रंट एरिया में अच्छे लॉन्ग साइज़ के इंडिकेटर्स यहाँ पर दोनों बने हुए हैं फ्रंट एरिया में ही। उसके अलावा ये नंबर प्लेट लगने की जगह है दोस्तों। यहाँ पर यामाहा की ये छोटी सी पैचिंग लगी हुई है। हम इस तरफ से इसकी बात करें तो आपको दिखा दें इसके जो डिस्क ब्रेक्स वगैरह हैं, देखिए फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लग के आ रहा है ये यामाहा फेसिनो हाइब्रिड में गोल्डन कलर के बहुत सुंदर से ये अलॉय व्हील। और टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो मैं आपको टायर प्रोफाइल बता दूँ दोस्तों, 1990x12 इंच की व्हील है दोस्तों। ये ट्यूबलेस टायर के साथ ही ऑफ़र हो रहा है आपको। और सबसे जानदार और शानदार चीज़ जिसमें है टेलीस्कोपिक शॉकअप जो बिल्कुल कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करती है इस स्कूटर में। सो दोस्तों, अगर हम इस स्कूटर की और बात करें तो इस तरफ से आपको दिखा दें स्क्रैच गार्ड एक्सेसरीज़ भी लगी हुई है इस तरफ से, देख सकते हैं स्टील वाली। उसके अलावा मैं आपको दिखा दें यहाँ पैर रखने की जो सफिशियंट जगह है बिल्कुल यहाँ पर, बहुत अच्छा सा सामान भी आप स्टोरेज कर सकते हैं गाड़ी चलाते समय, कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको। यहाँ पर ये एक नोब बना हुआ है कुछ सामान को टांगने के लिए, ये जो नोब है इस तरह से। उसके अलावा हम आपको दिखा दें इस तरफ ये फुटरेस्ट बना हुआ है रियर पैसेंजर के लिए, पिलियन के लिए, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, यहाँ पे किक दिया हुआ है स्कूटर को मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए भी, आप देख सकते हैं ये। और ये है फुट स्टेप एक लेडीज़ के बैठने के हिसाब से बहुत परफेक्टली दिया गया है जो कि होना चाहिए। और इस स्कूटी का जो कलर है आप देख सकते हैं मैट ग्रे कलर का स्कूटी, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। साथ ही साथ इसमें गोल्डन कलर के डिटेलिंग दिए गए हैं, बहुत सुंदर गोल्डन कलर के अलॉय व्हील, फेसिनो एस लिखा हुआ सबसे शानदार लिखा हुआ बिल्कुल। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रैब हैंडल है बैक रियर पे। उसके अलावा एक बहुत ही सुंदर बिल्कुल अलग सा दिखने वाला टेल लाइट, काफ़ी चौड़ा वी शेप बना हुआ दिख रहा है आपको, देखिए एक वी का शेप दिख रहा है ये। यहाँ पर यामाहा की बैजिंग लगी हुई है। हम इस तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ आपको दिखा दें ये नंबर प्लेट लगने की जगह है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टर सेफ्टी फीचर्स के लिए, दोनों तरफ से इधर ऑरेंज ऑरेंज रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं क्योंकि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिल जाता है दोस्तों शानदार ग्रिप के साथ। रियर टायर प्रोफाइल मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 110/90/10 इंच का व्हील है रियर प्रोफाइल में दोस्तों। साइलेंसर की बात करें दोस्तों, मैट ब्लैक कलर का साइलेंसर विथ मफलर, बहुत सुंदर इस तरफ से दिख रहा है आपको। ओवरऑल बॉडी कुछ इस तरह से है, इस तरफ से बहुत ही सटीक और स्लीक डिज़ाइन दिया हुआ है। सीट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, सिंगल सीट है ये, कुशनिंग ओवरऑल गुड है, अच्छी कुशनिंग मान सकते हैं आप इसको। सो दोस्तों, अब हम इसका बूट ओपन करेंगे। ये इग्निशन की है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इग्निशन की में हम इसको इस तरफ से ऐसे घुमाएंगे, ये आवाज़ आई और ये बूट आपका ओपन हो चुका है, सीट ओपन हो गया है। तो हम इसे उठाएँगे, देखेंगे दोस्तों अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, फ्यूल भरने की यहाँ पे जगह है ये, E2O की पैचिंग, इथेनॉल, इसमें 5.21 लीटर का पेट्रोल आ सकता है, इसमें स्पेस है उतना कैपेसिटी है उसकी। उसके अलावा यहाँ पे ये आपको एरिया मिल जाता है काफ़ी अच्छा,
इसमें आप अपना हेलमेट और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है ये, सिंपल बहुत प्यारी सी सीट, कोई तामझाम नहीं। इसे बंद कर देते हैं हम, ये बंद हो गया दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं इसके हैंडल फीचर्स में क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रियर ब्रेक लीवर है जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर है। अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो भी साथ में एंगेज होता है। मतलब अगर 100% ये आप प्रेस कर रहे हैं तो सामने 60% आपका डिस्क ब्रेक भी एंगेज होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अपर टिपर के लिए स्विचेस हैं, ये इंडिकेटर इंडिकेटर स्विच हैं दोस्तों। ये हॉर्न स्विच यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा हम इस तरफ बात करें तो ये यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, ये हाइब्रिड सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट स्विच, और ये जो लीवर है ये डिस्क ब्रेक लीवर है दोस्तों, एक्सीलेटर। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसके मीटर में क्या क्या फंक्शंस दोस्तों। ये हमने चाबी यहाँ से ये देखेंगे ऑन की और क्या क्या सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों। ये है आरपीएम के लिए कि कितने किलोमीटर गाड़ी रन कर रही है वो दिखाएगा यहाँ पे, कितने किलोमीटर गाड़ी रन कर चुकी है ट्रिप के अकॉर्डिंग। ये फ्यूल ई लिखा है या एफ लिखा है फुल। ये माल फंक्शन है। इंडिकेटर के स्विच हम ऐसे करके प्रेस करते हैं, देखिए इंडिकेटर। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही साइलेंस स्टार्ट हो जाती है गाड़ी ये, तो हम ब्रेक दबा रहे हैं और साथ ही साथ सेल्फ का बटन। ये आपकी गाड़ी हो गई स्टार्ट और अब हम इसमें हेडलाइट ऑन करेंगे दोस्तों। ये हेडलाइट ऑन करी, आपको फ्रंट एरिया दिखाते हैं कि गाड़ी ऑन होने के बाद हेडलाइट कैसी दिख रही है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ब्राइट हेडलाइट है बिल्कुल। हम रियर प्रोफाइल में आपको दिखाते हैं इसका टेल लाइट किस तरह से दिख रहा है। देखिए टेल लाइट, इसका साउंड भी सुना देते हैं दोस्तों। ये इसका साउंड है। अब मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 125 सीसी का ये 4-स्ट्रोक SOHC2 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन है जो कि आपको 8.2 PS की पावर्स और 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्यूल इंजेक्शन ये है वी बेल्ट ऑटोमेटिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें स्टोरेज जो है वो 21 लीटर का बूट स्टोरेज है, 5.21 लीटर का इसमें फ्यूल स्टोरेज आ सकता है। इसमें 99 किलोग्राम ओवरऑल गाड़ी की जो वेट है फुल पेट्रोल और ऑयल के बाद ये आती है, कर्व वेट नहीं है ये। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों 145 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। और मैं आपको इसमें और भी खासियत बता दूं कि ये जो आपको स्कूटर दिख रही है ओवरऑल ये स्कूटर एक नॉर्मल स्कूटर की तरह आपको दिख तो ज़रूर रही है, मगर हाइब्रिड स्कूटर है। अगर आप इसको शहर में 40 की स्पीड मैक्सिममली रन करते हैं तो हाफ पेट्रोल और हाफ बैटरी से कंज्यूम होकर ये गाड़ी आपकी चलेगी, जिसकी वजह से आपका माइलेज आम स्कूटर के मुकाबले डबल आपको मिलेगा। और अगर आप इसको 40 प्लस की स्पीड पे चलाते हैं तो नॉर्मली ये 100% प्योर पे कन्वर्ट हो जाए, फ्यूल पे कन्वर्ट हो जाएगी और आपको ये फ्यूल के हिसाब से फिर माइलेज देगी। तो कंपनी जो इसका माइलेज क्लेम करती है ARAI टेस्टेड, वो 68.7 किलोमीटर है जो कि फ्यूल पे चलने के बावजूद भी आम स्कूटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको हाइब्रिड मोड पे चलाते हैं यानी कि 40 की स्पीड में, तो मान के चलिए ये आपको 98 किलोमीटर का एवरेज भी दे सकती है दोस्तों। तो ये है हाइब्रिड यामाहा फेसिनो, ये है उसकी खासियत। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यामाहा फेसिनो का जो ये मॉडल आपके सामने दिख रहा है ये टॉप वेरिएंट है और इसकी प्राइस एक्स शोरूम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है 95,360 रुपीज़ ओनली। सो फाइनली दोस्तों मैंने आपको यामाहा फेसिनो के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड किए, इसका प्राइस, इसका इंजन स्पेसिफिकेशन और इसके स्पेशल फीचर्स भी। तो जो भी मेरे दोस्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं और इस फेसिनो का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए यामाहा के शोरूम ब्लू स्क्वायर और इसे टेस्ट राइड लेके देखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।